सबसे पहले भाई आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन डेडिकेट करते हैं भाई हमारे शहीद वीर जवानों की कुर्बानियों के लिए। इस लिस्ट की हर एक मूवी भाई आपको इंडियन होने पे प्राउड फील कराएगी। एक एक मूवी में इतना दम और इतना एनर्जी है कि वो देश के प्रति देशभक्ति का प्यार दुगुना नहीं भाई चार गुना बढ़ जाएगी। जो ऐसी फीलिंग को सिर्फ भाई फील किया जा सकता है, जो इस लिस्ट की हर एक मूवी आपको एक्सपीरियंस कराएगी, जिसमें कुछ बोनस मूवीज भी देखने को मिलेंगी। अगर आप इंडियन हो तो इस लिस्ट की एक भी मूवी को आप मिस कर ही नहीं सकते। अगर देख रखे होंगे तो आज के दिन एक बार फिर से इन मूवी को देखकर सेलिब्रेट करिए। नंबर 7 की मूवी भाई क्या बीतती होगी उस माँ पे जब उसके बेटे की शहीद होने का खबर मिलती होगी। उस बाप को कैसा लगता होगा जब उसके बेटे की जगह लाल कपड़े से बंधे एक कलश देकर आपसे कहा जाए कि आपका बेटा इसमें है। उनकी दर्द हम कभी समझ नहीं सकते, ये मूवी आपको एहसास कराएगी। 2018 में आई फिल्म बेस्ड ऑन एक्चुअल इवेंट वॉर एक्शन के साथ पलटन। स्टोरी 1962 में चीनियों ने कई सारे सोते हुए इंडियन सोल्जर को मार जाते हैं। 1967 में सिक्किम बॉर्डर में हुए चाइनीज सोल्जर और इंडियन सोल्जर के बीच के वार पे बेस्ड है। बंदूक लेकर हमारे फौज से मिलने आओगे तो स्वागत तो करेंगे ही, हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर आप हमारे ही सैनिक के पीठ पीछे छुरा भोंकोगे तो भाई एक एक का बदला तो लेंगे, बाद में जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। ऐसे इंडियन सोल्जर के जज्बे के लिए सैल्यूट है भाई। मूवी को जरूर देखिए, G5 पे अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी क्या सच में उन महापुरुषों ने जो आजादी के सपने देखे थे क्या वो आजादी हमें मिली है। ये मूवी आपको आईना दिखाने की कोशिश करती है। 2006 में आई मूवी कॉमेडी ड्रामा के साथ रंग दे बसंती। फिल्म की स्टोरी 6 ऐसे दोस्तों की है जिन्हें एक फॉरेनर के साथ मिलकर इंडियन फ्रीडम फाइटर पे बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। कैसे उनकी कैरेक्टर करते करते उनकी ही लाइफ जीने लगते हैं। उसके बाद से ये मूवी हमें दिखलाती है क्या हम सच में आजाद देश में रह रहे हैं या फिर हमारा देश पॉलिटिक्स और गंदे सिस्टम के शिकार है। ये मूवी आपको परफेक्ट तरीके से रियलाइज कराती है। और एंड तक आते आते सोशल मैसेज के कई बड़े बड़े लेसन हमें सिखला जाती है। मूवी YouTube पे आपको मिल जाएंगी। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी भाई स्पीचलेस है यार। ऐसी मूवी के लिए कोई शब्द नहीं बनी। केवल अकी सिख सोल्जर ने 10,000 पठान सेना से लड़ गए, तब तक लड़े भाई जब तक लहू के एक एक कतरा बचा रहा। और ये सब मूवी में भाई एक एक सीन हमें दिखाया गया। 10,000 पठान सेना केवल अकी सिखों के साथ वो फाइट सीन भाई, वो देखकर आपका खून ना खौले तो पानी है। मूवी में कई ऐसे सीन है भाई जहां आपको अंदर से रुला जाएगी। वो कहते हैं ना, सवा लाख नाल एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये अकी सिख भाइयों ने हमें प्रेरणा दे गई। हम बात करें 2019 में आई वॉर एक्शन के साथ केसरी। ऐसी मूवी को आपने अभी तक मिस किए तो भाई आप इंडियन हो ही नहीं। आज भी इसके गाने सुनते हैं ना तो भाई देश के प्रति एक अलग ही प्रेम उमड़ पड़ती है। और आप ऐसी मूवी को मिस किए हैं, अभी जाकर देखिए, YouTube पे आपको मिल जाएंगे। नंबर 5 की मूवी अमेरिका जैसे देश से छिपकर परमाणु परीक्षण करना है, जिनके खुफिया एजेंसी उनके सैटेलाइट इतने पावरफुल है कि एक झटके में आपको पकड़ सकते हैं। यहां आपको परमाणु परीक्षण करना है। इन महान साइंटिस्ट की वजह से आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है। उन 7 परमाणु हथियारों देश में से एक, इसी पे बेस्ड है भाई नंबर 4 की मूवी। 2018 में आई एक्शन ड्रामा के साथ परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। स्टोरी भाई 1998 में राजस्थान पोखरण में हुए न्यूक्लियर टेस्ट पे बेस्ड है, जहां कैसे एक IAS ऑफिसर और कुछ साइंटिस्ट मिलकर परमाणु हथियार का परीक्षण करते हैं। जहां अमेरिका जैसे पावरफुल देश दुनिया के एक एक कोने पे नजर रख रहा था, जिनके सैटेलाइट के जूमिंग पावर इतना था कि बैठे बैठे आपके घड़ी में कितना टाइम हो रहा है ये बता सकता था। तो सोचिए उससे बचकर परमाणु जैसे हथियार का परीक्षण कर कैसे। आप मूवी में देखो, G5 पे अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी ये अब की हिंदुस्तान है। अगर आप हथियार उठाने पर मजबूर करोगे तो घर में घुस कर मारेंगे। 2019 की बेस्ड ऑन एक्चुअल इवेंट उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। स्टोरी भाई 2016 में उरी कश्मीर में हुए आतंकी हमले जिसमें कई इंडियन सोल्जर मारे गए, उसके बाद पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक पे बेस्ड है। हमारे देश की तरह आंख उठाकर देखोगे तो आपके घर में घुसकर मारेंगे, बाद में जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। कश्मीर में अटैक के बाद एक ऐसी टीम जिसे लीड कर रहे हमारे विक्की कौशल, जिन्हें पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठनों को रातों रात मारकर वापस इंडिया आना है। कैसे भाई आप मूवी में देख लो, इतना आसान है क्या किसी के देश में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना। आप मूवी में देखो भाई कैसे जिस तरह रातों रात प्लान बनाते हैं फिर उसे रातों रात एग्जीक्यूट करते हैं भाई, कमाल का है। जरूर देखिए, विकी कौशल की एक्टिंग आप में जोश भर देगी। मूवी G5 पे अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी आज भी इनकी मिसाले गर्व से हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। 2019 में आई मूवी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी।
क्या ही कंगना रनावत ने वो मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी की कैरेक्टर को निभाई है। यूं मानो कि इनका जन्म ही इस कैरेक्टर को निभाने के लिए ही हुआ था। गजब का भाई, एक बार इस मूवी को देखो, आप इनके फैन बन जाओगे। मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी हमें गर्व है ऐसे वीर जवानों पर जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया। ऐसे वीर जवानों के लिए दिल से नमन। 2021 में आई मूवी एक्शन बायोग्राफी ड्रामा के साथ शेरशाह। स्टोरी भाई शहीद वीर जवान कैप्टन विक्रम भद्रा के जीवन पे आधारित है, जिन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इंडिया और पाकिस्तान 1999 में कश्मीर में हुए कारगिल वार पे बेस्ड है। वीर पुरुष विक्रम भद्रा वो शख्स है भाई जिन्होंने अकेले ही बिना हथियार के साथ दुश्मनों से भिड़ गए। लहू का एक एक कतरा अपने देश के लिए निछावर कर दिया। हर एक इंडियन को ऐसी मूवी देखनी ही चाहिए। ऊपर से विक्रम भद्रा की कैरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रोल प्ले किया है। क्या ही भाई, इन्होंने गजब की एक्टिंग की है। मानो ऐसे की खुद ही उनकी लाइफ को जी रहे हैं। जरूर देखिए, मूवी प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी मंगल पांडे वो शख्स जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की पहली प्रतीक बने, जिन्होंने आने वाले पीढ़ियों की आजादी की प्रेरणा दी, वो सपने दिखलाए। 2005 में आई बायोग्राफी हिस्ट्री ड्रामा के साथ मंगल पांडे द राइजिंग। मूवी मंगल पांडे के जीवन पर आधारित है। आजादी की पहली क्रांति मंगल पांडे, पहले फ्रीडम फाइटर जिन्होंने आजादी के सपने देखे थे। आखिर 90 सालों के बाद वो आजादी के सपने पूरे हुए। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। शहीद मंगल पांडे ऐसे वीर महापुरुष के बलिदान के लिए भाई दिल से सैल्यूट है। जरूर देखिए भाई ऐसी मूवी को। शहीद मंगल पांडे आजादी की पहली सीढ़ी बने, कैसे आप मूवी में देखो। मूवी यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगे। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी भाई ऐसी मूवी के लिए कोई शब्द नहीं है भाई। इस मूवी का एक एक सीन एक अलग ही एनर्जी है। इस मूवी को देखकर भाई गर्व से आपका सीना फूल जाएगा। हम ऐसे देश में रहते हैं जिनके स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। हम बात करें भाई वो नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। 2002 की बायोग्राफी हिस्ट्री ड्रामा के साथ था लीजेंड ऑफ भगत। भगत सिंह वो नाम है भाई, उस टाइम हर एक नौजवानों में अपने देश के प्रति मर मिटने की मिसालें दे गए। आज भी इनके गाने 15 अगस्त के लिए बजते हैं ना तो भाई पूरा बॉडी सहम सा जाता है। ऐसी मूवी को जरूर देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी भाई आज भी इस मूवी को देखते हैं ना तो इंडियन आर्मी के प्रति एक अलग ही रिस्पेक्ट दिल से निकलती है भाई, जो गर्व से सीना चौड़ा कर देती है। जी हाँ भाई, हम बात करें जिसे सिर्फ मूवी नहीं कहेंगे, 1997 की बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट एपिक वॉर एक्शन के साथ बॉर्डर। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान वार के दौरान लोंगेवाला में केवल 120 इंडियन सोल्जर ने पाकिस्तान के हजारों सेना उनके बड़े बड़े तोपों के साथ रातों रात पाकिस्तान के सेना को मार भगाए थे। केवल 120 सोल्जर ने भाई हजारों सेना हथियारों से लेस पाकिस्तान के सेना पर हमारे इंडियन सोल्जर कहर बनकर बरसे थे। दिल से सैल्यूट है भाई ऐसे सोल्जर के जज्बे को। उस टाइम के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी एज अ सनी देओल, इनके जज्बे और हिम्मत ही काफी था पूरे पाकिस्तान के सेना के लिए। ऐसी एपिक मास्टरपीस मूवी को मिस नहीं करते भाई। वो एक एक सोल्जर की बलिदान देखकर भाई आज भी आंखों में नमी आ जाती है। मूवी को छोड़ो भाई, सिर्फ इसके गाने ही आपको कई बार रुला जाएंगे। इस मूवी को देख रखे हैं तो आज एक बार फिर से इस मूवी को देखना, YouTube पे अवेलेबल है। तो भाई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आपके तरफ से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए हमारे इस लिस्ट की बैकग्राउंड म्यूजिक और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टॉप रिव्यू Instagram पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम।